हेलो स्टूडेंट, आज क्लास हम बात करने वाले हैं ब्रिक के कौन कौन से टेस्ट होते हैं कि बर्निंग प्रोसेस के बाद जो हमें ब्रिक मिली है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग, भारतीय मानक कोड के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी विशिष्टियां बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रिक को बना पाया है या नहीं बना पाए। क्योंकि आपने देखा कि पिछले हमने कई लेक्चर बताए जिसमें हमने ब्रिक की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने समझा, और उसके बाद हमने बर्निंग की, और लास्ट में बर्निंग के बाद हमें ईंट हमें इंजीनियरिंग पर्पज़ के यूज़ के लिए हमें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जिस ब्रिक को हमने बर्निंग प्रोसेस के बाद हमने प्राप्त किया है, जो ब्रिक हमारे पास अवेलेबल है, जो पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड यानी भारतीय मानक कोडों के अनुसार क्या वो ब्रिक हमारी इंजीनियरिंग पर्पस में यूज करने लायक है या नहीं है। इसके लिए हम करते क्या है, ब्रिक के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को हमें अप्लाई करना होता है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करके ये स्पेसिफाइड करेंगे कि ये ब्रिक हमारी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज करने लायक हमारी है या नहीं है। तो उसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं ब्रिक पर, इसके बारे में आज के लेक्चर हमारा स्पेशली होगा। तो और साथ साथ बात करेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी छात्र हमारे जितने भी जेई एई वगैरह के एग्जाम देते हैं तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्रिक के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला टेस्ट हम पढ़ेंगे ब्रिक का, डायमेंशन टेस्ट, यानी ब्रिक की जो हमारी परिमाप है, जो उसके साइजेस हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग है, मानक है या नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा कोड है IS 1077 के अकॉर्डिंग हमें डायमेंशन टेस्ट देखने को मिलता है। और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पूरी सीरियल वाइज यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि कोड, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डायमेंशन टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा कोड होता है, कोड हमारा होगा 1077, यानी इंडियन स्टैंडर्ड 1077 कोड के अकॉर्डिंग हमारे स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टियां बताई गई हैं, जिसमें हमें डायमेंशन टेस्ट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो क्या क्या होंगी देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, डायमेंशन टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि सैंपल जो साइज लेंगे बीट्स, जो आप ब्रिक के जो सैंपल्स लेंगे, क्या करेंगे 20 ब्रिक्स आप लेंगे, यानी आपके पास जो भी ब्रिक का एक टाल लगा हुआ है वहां पर आप क्या करेंगे ब्रिक के 20 पीस उसमें से आप कोई भी ले लेंगे। यानी हमने क्या किया, सैंपल साइज लिया 20 ब्रिक्स का। तो सबसे पहला तो यही है कि डायमेंशन टेस्ट करने के लिए कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। दूसरा हमारा ये है कि इसमें कितने ब्रिक का हमारा सैंपल साइज होना चाहिए, जो भी स्टेप्स लिखे हुए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमने क्या किया, 20 ब्रिक्स का हमने सैंपल साइज लिया, और अपने क्या किया, हमने उन सैंपल्स को लेंथ टेस्ट करते हैं। यानी डायमेंशन टेस्ट का मतलब क्या है कि यही है कि आप लेंथ कितनी है, लेंथ के जो वेरिएशंस आएंगे, जाहिर सी बात है हम ब्रिक को बनाते हैं तो उसके लेंथ में वेरिएशन आ सकते हैं, विड्थ में वेरिएशन आ सकते हैं, उसकी हाइट में वेरिएशन आ सकते हैं। तो उन लेंथ के वेरिएशन को परमिसेबल लिमिट के अंदर है या नहीं है उनसे चेक करते। तो आप क्या करेंगे, लंबाई चेक करने के लिए, लेंथ चेक करने के लिए आप 20 ब्रिक्स लेंगे, और 20 ब्रिक्स को आप क्या करेंगे, लाइन वाइज लगा देंगे, इस तरह से लेंथ में लगा देंगे लगातार। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां से यहां तक आप जो एरो बनाया हुआ, यहां पर मैंने बीच में क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इस बात का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक हमारी 20 ब्रिक्स हमने लगा रखी हैं। तो कोड के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। आप देखिए, आपका स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक का हमारा जो साइज होता है ये 19x9x9 सेंटीमीटर। यानी स्टैंडर्ड ब्रिक का हमारा साइज कितना है, 19x9x9 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या किया, 20 ब्रिक्स ले रखी है लेंथ में। आप देख रहे हैं यहाँ पर 19 क्या है, लेंथ है, 9 क्या है यहाँ पर, विड्थ है, और 9 क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर में ही हाइट हमारी ब्रिक की होती है। यानी आप जब देखते हैं तो ब्रिक हमारी किस तरीके से देखने को मिलती है, हमें ब्रिक कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो हम स्टैंडर्ड ब्रिक की अगर हम बात करें, ये हमारी ब्रिक है, और इसकी हमने लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में अगर हमने बात की, तो ये जो हमारी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये L इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, और हाइट ये हमारी है 9 सेंटीमीटर, और साथ के साथ में हमारी जो विड्थ है ये कितनी है हमारी, 9 सेंटीमीटर। यानी स्टैंडर्ड ब्रिक की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ब्रिक का हमारा लेंथ, विड्थ, हाइट का हमारा साइज इस तरीके से होता है। तो हमने क्या किया, लेंथ में हमने लेंथ के अकॉर्डिंग 20 ब्रिक्स लगा ली। अब इसमें 19 जो ब्रिक्स हैं उनका हमारा जो परमिसेबल साइज होना चाहिए हो कितना जाएगा, अगर एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा तो 380 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो 380 सेंटीमीटर प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर हमारा ये साइज होना चाहिए। तो देखिए जो स्टैंडर्ड ब्रिक है हमारी उसका साइज हमारा कितना है 19x9x9 सेंटीमीटर। तो 19x9x9 सेंटीमीटर जो साइज है उसमें हमने 20 ब्रिक का सैंपल साइज लिया और लगातार हमने 1 2 3 करके ऐसे 20 ब्रिक एक लाइन में हमने लगा दी और एक लाइन में सीरीज में लगाने के बाद हमने क्या देखा उसको टोटल मेजर किया हमने। टोटल मेजर करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए कि 380 तो उसका होना ही चाहिए। अगर बिल्कुल परफेक्ट ब्रिक है परफेक्ट साइज हमें मिला है तो हमें 380 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। लेकिन वेरिएशन अगर उसके अंदर होगा तो प्लस 8 या माइनस 8 इसका मतलब आपसे कंपटीशन में ऐसे ही पूछ सकता है, इसका रेंज पूछ सकता है। तो आप क्या कर देंगे 380 में से 8 माइनस कर देंगे और 8 प्लस कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगी रेंज निकल के आ जाएगी, हमारी परमिसिबल लिमिट निकल के आ जाएगी कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 380 सेंटीमीटर प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर का हमारा लेंथ का वेरिएशन देखने को मिलेगा। आगे हमारा विड्थ, विड्थ कैसे होनी चाहिए देखिए। अब आप देख रहे हैं कि एक ब्रिक की कितनी हमारी विड्थ है 9 सेंटीमीटर तो 20 की कितनी हो जाएगी हमारी तो 180 सेंटीमीटर प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। यानी इसमें हमारा विड्थ में हमारा वेरिएशन कितना देखने को मिलेगा हमें फोर्स मैंने इसका जो टॉलरेंस है जो इसमें छूट सीमा दी गई है हमें वो कितनी प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से हाइट में हमारी एक ब्रिक की हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर तो 9 सेंटीमीटर ब्रिक हाइट तो हमने 20 ब्रिक्स को 1x1 ऐसे हमने एक के ऊपर हमने पूरा लगा रखा है यहाँ पर। तो 20 ब्रिक्स की जब हाइट मेजर करेंगे तो वो कितनी होनी चाहिए हमारी 180 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। तो आपसे रेंज भी पूछ सकता है तो रेंज भी आप क्या कर देंगे 180 में से 4 माइनस कर देंगे एंड 4 प्लस कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि आपकी ब्रिक की हमारी परमिसिबल लिमिट हाइट की हो जाएगी, एक रेंज बनकर आपके सामने देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक। तो स्टैंडर्ड ब्रिक यानी अब आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, याद रखना है तो एक कोड, दूसरा हमें ब्रिक का सैंपल साइज, तीसरा टॉलरेंस लिमिट हमें याद रखनी होती है। यानी कि ज्यादातर आप पूछने के जो चांसेस होते हैं वो होता है कि आपको टॉलरेंस पूछ लेगा कि लेंथ में कितना हमारा टॉलरेंस है, लेंथ हमारी कितनी छूट है, कहां तक हमारी वैल्यू परमिसेबल है, रेंज वगैरह पूछ सकता है तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक की बात होगी डायमेंशन टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स। नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स का जो हमारा देखिए जितनी टाइप की आप बुक्स पढ़ेंगे चाहे कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स में साइजेस में थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि 23 सेंटीमीटर इंटू 11.5 इंटू 7.0 सेंटीमीटर हमें ये साइज देखने को मिलता है, 7.5 सेंटीमीटर हमें ये साइज देखने को मिलता है ज्यादातर केसेस में। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग इसको हमने कितना इसकी जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस साइज के अकॉर्डिंग करते हैं 23 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यानी जो नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स हैं नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का जो हमारा कैलकुलेशन होगी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 20 ब्रिक है तो 19 सेंटीमीटर की एक ब्रिक है तो हमारी 20 ब्रिक का साइज कितना हो जाएगा 380 अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसी तरह से जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो हमारा कैलकुलेशन के लिए साइज यूज करेंगे हम ये वाला साइज यूज करेंगे 23 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर। तो अब नॉन मॉड्यूलर ब्रिक में अगर हम बात करें तो हमने क्या किया नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का भी अगर हम डायमेंशन टेस्ट करना चाहें तो आप क्या क्या करेंगे, कोड तो वही है हमारा 1077, ब्रिक का सैंपल साइज हमारा 20 है और अब आप क्या करेंगे 20 ब्रिक को 1x1 लाइन से लगा देंगे। लाइन से आप लगाएंगे तो 20 ब्रिक का हमारा साइज कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में 23 में 2 का तो कितना हो जाएगा 460 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर। यानी अब आप यही कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ब्रिक हो या नॉन मॉड्यूलर ब्रिक हो टॉलरेंस हमारी चेंज नहीं होती है, टॉलरेंस हमारी सेम है। जितनी हमारी यहाँ पर टॉलरेंस है उतनी हमारी टॉलरेंस यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। दूसरा आता है हमारा इसका विड्थ साइज, इसी तरह जैसे हमने एक 1x1 20 ब्रिक्स यहाँ पर भी लगा रखी है टोटल तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 22 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो 220 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर वो क्या है हमारा विड्थ का टॉलरेंस है, विड्थ हमारी इतनी परमिसेबल लिमिट में होना चाहिए। इसी तरह से हाइट भी है हमारी तो वो हो जाएगी हमारी 140 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। यानी कि
आप ये कह सकते, आप यही कहेंगे इन सभी केसेस में हमने क्या देखा कि दोनों, चाहे ब्रिक हमारी स्टैंडर्ड है या नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स है, हम यही देख रहे हैं कि जो साइज का हमारा स्पेसिफिकेशन है उसमें हमारे टॉलरेंस लिमिट हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट के लिए सेम होती है, चाहे वो ब्रिक हमारी स्टैंडर्ड हो चाहे वो ब्रिक हमारी नॉन मॉड्यूलर हो। तो ये हमारा जो साइज सबसे पहला टेस्ट था, यानी जो ब्रिक हमें बर्न के बाद मिली है, हम देखते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से पूरी तरह से टेम्परेचर पर ना कंट्रोल होना या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पूरी मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक में, हमने डिटेल में डिस्कस किया पिछले सभी लेक्चरों में। तो उसमें हमने यही पाया कि हम जितनी कोशिश हो सकते हैं उतना हम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का कोई सा भी स्टेज क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं इनके साइजेस में। तो लेकिन इतना भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए जो इन लिमिट्स को क्रॉस करे, अगर इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता है तो हमारी ब्रिक्स जो है वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज हम क्या कर देंगे कि वो इंजीनियरिंग पर्पज के यूज के लिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो हमारी इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा सबसे पहला टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट, इसमें हमने बात करी स्टैंडर्ड ब्रिक एंड नॉन मॉड्यूलर ब्रिक के बारे में। तो अगला हमारा टेस्ट कौन सा है, अगला हम टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक, यानी हम ये देखेंगे कि जो ब्रिक का जिस क्वालिटी की हमने ब्रिक रेडी करी है उसके अकॉर्डिंग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की अगर हम बात करें सबसे पहला वही आता है कि कोड क्या है, यानी इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में किस कोड में हमें स्पेसिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पहले कोड पूरी बातें समझते हैं, उसके बाद हम इसको कोड का बताएंगे। तो अब आप क्या करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक का टेस्ट करने के लिए, आप क्या करेंगे ब्रिक के 6 पीस लेंगे, यानी आप 6 ब्रिक का सैंपल साइज लेंगे। तो अब आप यहीं पर समझेंगे ब्रिक का साइज हमारा कितना है, 6 ब्रिक्स हमने क्या किया, 6 NOS, यानी हमने 6 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमने ले लिए, और उसके बाद क्या किया सभी ब्रिक्स को, उन 6 ब्रिक को हमने क्या किया, ब्रिक्स आर इमर्स इन वाटर एट 25 to 29 degree centigrade, यानी कि आप ये कह सकते हैं 27 ± 2 degree centigrade पर हमने क्या कर दिया, उसको हमने पानी के अंदर डुबा दिया। यानी जिस ब्रिक का हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाले हैं उन 6 ब्रिक को हमने क्या किया, पानी के अंदर हमने उसको डुबा दिया, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 से 29 degree centigrade तक हमने पानी में डुबा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जब उस ब्रिक को निकाल लेंगे, तो आप जानते होंगे पिछले हमने क्लासेस में बताया कि ब्रिक में हमारा जो एक फेस में क्या होता है, हमें फ्रॉग देखने को मिलता है, नहीं उसको दिल्ला हमें देखने को मिलता है, उस दिल्ले में क्या कर देंगे हम सीमेंट और सैंड का मसाला, इन सीमेंट सैंड मॉर्टर 1:3 में तैयार करके और उसको हम फिल कर देंगे, यानी कि फ्रॉग इज फिल्ड विद 1:3 सीमेंट सैंड मॉर्टर। यानी सेकेंड प्रोसीजर जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोसेस में ब्रिक को हमने पानी में डुबा दिया और उसके बाद हमने क्या किया उसको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद हमने फ्रॉग में उसको क्या कर दिया, हमने फ्रॉग जो हमने मसाले से फिल कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम जूट के हमारे कुछ जूट के हम बोरे जो हैं हमारी जो डैम्प जूट बैग्स होते हैं उन जूट के बोरों को गीला करके हम ईंटों पर हम लपेट देते हैं, यानी उस ईंटों को मसाले से फ्रॉग मसाला भरने के बाद हमने बोरों से लपेट कर रख दिया उन्हें। तो यानी हमारा अगला प्रोसेस क्या है, नाउ ब्रिक्स स्टोर अंडर डैम्प जूट फॉर 3 days, यानी 3 दिन तक आप क्या करेंगे गीले जूट के बोरों में ईंटों को बंद करके रख देंगे, क्यों, ताकि हमारी जो हमने मॉर्टर उसके अंदर फिल किया वो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए और एक हमें प्लेन सरफेस हमें मिल पाए। और आगे हम क्या करेंगे उसके बाद 3 दिन के बाद क्या करेंगे, हम 3 mm की प्लाई लेंगे और CTM पर ले जाएंगे ब्रिक्स के सारे सैंपल साइज को, और ब्रिक के सारे सैंपल साइज को जब हम UTM मशीन पर CTM मशीन पर हम जब ले जाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे हमारी प्लाई लगी हुई है ऊपर हमारी प्लाई लगी हुई है और उसके ऊपर हम लोड देंगे 14 N/mm² की दर से, यानी हमारा लोडिंग रेट जो होगा, यानी अगला प्रोसीजर हमारा क्या है, एट CTM यूज 3 mm प्लाई, यानी CTM पर आप क्या करेंगे 3 mm प्लाई की यूज कर रहे 3 mm प्लाई यूज करेंगे और उसके बाद में उसका जो लोडिंग रेट देंगे 14 N/mm², यानी कि 14 N/mm² की दर से आप लोडिंग रेट देते चले जाएंगे तब तक जब तक कि वो ब्रिक हमारी फेलियर नहीं हो जाती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा फाइनली फेलियर स्टेज पर जो लोड था अपन उसके हम एरिया से, एरिया किसका हमारा जो ब्रिक पर जिस ब्रिक पर हमने जिस फेस पर हमें लोड डाल रहे हैं तो उसका हम क्या करेंगे एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और एरिया कैलकुलेट करने के बाद में उसके लोड से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या हमें देखने को मिलेगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें देखने को तो मिलेगी, लेकिन अब हमारे पास ब्रिक कौन कौन सी, फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है एंड थर्ड क्लास ब्रिक है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी 10.5 N/mm², यानी कि इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 105 kg/cm²,
यानी ये हमारी सबसे पहले क्या हो गई, सबसे फर्स्ट क्लास ब्रिक की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, यानी हमारे पास अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं और अब इसकी स्ट्रेंथ इतनी कम से कम होनी ही चाहिए। अब आगे आता है हमारा सेकंड क्लास ब्रिक। तो देखिए सेकंड क्लास ब्रिक में हमारा होगा 7.0 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 7.0 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे एक बात का, अक्सर हमें ऑप्शन में देखने को मिलता है 7.5 एंड 7.0। देखिए अगर आपका आंसर ये भी हो ऑप्शन में, अगर ये नहीं है 7.0 तो आंसर 7.5 सही हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ध्यान देंगे इन दोनों ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में ये है ही नहीं, 7.0 नहीं है, तो आप आंसर लगा देंगे 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि 7.5 भी एंड 7.0 भी है, तब आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 7.0 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी सेकंड क्लास ब्रिक की हमारी स्ट्रेंथ होगी। आगे आता है हमारा थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक की हमारी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, इसका हमारा है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एम स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हमें देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि हम आंसर 7.5 या 7.0 में कंफ्यूज, आप ध्यान रखेंगे हमेशा आंसर आपका यही एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये है ही नहीं, तब उस केस में आप 7.50 पर आंसर लगा सकते हैं, वो आपका ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक एंड थर्ड क्लास ब्रिक, हम इन तीनों ब्रिक्स पर डिस्कस कर लिया कि कितनी हमारी इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। चलिए अब देखिए इसके ये सारे जो स्पेसिफिक, हमने पूरा जो प्रोसीजर बताया हमारा किस कोड में स्पेसिफाइड है, इंडियन स्टैंडर्ड यानी IS कोड 3495 पार्ट फर्स्ट, यानी 3-4-5 के हमारे कई पार्ट हैं, तो पार्ट फर्स्ट में हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बोला गया है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है इस कोड के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको इसको ढंग से अच्छी तरह से तैयार हो करना होगा। अब आगे चलते हैं एफ्लोरेसेंस टेस्ट। एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या है, देखिए जब हमारी ईंट मिट्टी में बहुत ज़्यादा एल्कलीज की मात्रा होती है, तो होता क्या है, आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जब ब्रिक्स हमारी मॉइस्चर कंटेंट के यानी कि सीलेंट के कॉन्टैक्ट में जब आती हैं, तो हम देखते हैं कि ब्रिक्स के सरफेस पर वाइट वाइट एक पाउडर की फॉर्म में हमें दिखाई, यानी वाइट पेजेस हमें देखने को मिलते हैं ब्रिक के सरफेस पर, उसे कहते हैं लोना लगना, यानी हिंदी में इस परीक्षण का नाम क्या है, इस टेस्ट का नाम है लोना परीक्षण। तो एफ्लोरेसेंस टेस्ट जो हम कर रहे हैं, तो एफ्लोरेसेंस टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ब्रिक के 5 सैंपल साइज लेते हैं, 5 ब्रिक्स लेंगे और हम ये देखेंगे कि ब्रिक में जब हम ब्रिक में हम क्या करेंगे, उसे वाटर के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे उसकी सरफेस पर, हम चेक करेंगे कहीं उस पर हमारी वाइट पेसेस तो नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितनी मात्रा में आ रहे हैं। तो हमने इसके कई कैटेगरी डिवाइड की हुई है कि निल है, स्लाइटली एफ्लोरेसेंस है, या मॉडरेट है, या हैवी एंड, या फिर हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में एफ्लोरेसेंस है, यानी लोना परीक्षण, जो उस पर आप देख रहे हैं वाइट वाइट जो पाउडर निकल रहा है ब्रिक की सरफेस पर, वो हमारा कितनी मात्रा में है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए जो ये होता क्यों, आखिर लोना परीक्षण हम करते क्यों है, क्योंकि जब हम ब्रिक को बना रहे थे तो उसमें जो सॉइल है, वो सॉइल में हमारी क्षारों की मात्रा यानी एल्कलीज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये लोना लग जाता है। लोना का मतलब ये है कि जब ब्रिक हमारी जब हमारी ब्रिक डैम्पनेस यानी कि जो सीलेंट के कॉन्टैक्ट में आएगी, तो होता क्या है कि ब्रिक सरफेस पर एल्कलीज होने की वजह से वाइट वाइट पाउडर आने लग जाता है, जो कि हमें जिसमें हम एफ्लोरेसेंस या फिर लोना के नाम से जानते हैं। तो इस टेस्ट को करते क्यों है, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले इसे कोड क्या है, कोड और सैंपल साइज, और इसके ये तीन बातें, चार पांच जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको याद रखना होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसका एफ्लोरेसेंस टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एफ्लोरेसेंस टेस्ट करने के लिए 5 ब्रिक्स लेंगे, इसका कोड सारा लास्ट में बताएंगे, क्योंकि सारी बातें हमारे किस कोड के अकॉर्डिंग है लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो सैंपल साइज हमने क्या लिया, एफ्लोरेसेंस टेस्ट करने के लिए लोना परीक्षण करने के लिए आपने 5 ब्रिक्स ली। 5 ब्रिक को लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, उन ब्रिक्स को एक स्टैंडर्ड हमारे स्क्वायर शेप्ड, कितना 180x180x40 स्क्वायर शेप्ड जो हमारा ग्लास डिश या फिर पोर्सिलन लेंगे, और उसमें हम क्या कर देंगे 25 mm डेप्थ तक पानी भर देंगे। यानी आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड पोर्सिलन और ग्लास डिश ली जिसका साइज हमारा 180x180x140 स्क्वायर शेप्ड में है, तो
उसमें आपने क्या किया, जिसकी डेप्थ हमारी कितनी है 40 है, अब आप क्या करेंगे उसमें 25 mm तक आप क्या कर देंगे पानी फिल कर देंगे और उसके बाद उस ब्रिक को एज पर रख देंगे। एज पर का मतलब ये है कि ब्रिक अगर हमारी इस तरीके से इसकी लेंथ है, ये इसकी स्ट्रक्चर साइड है, ये इसकी हेडर साइड है, तो आप क्या करेंगे इस तरीके से ईंट को हम एज पर हेडर की ओर से इस तरीके से हम उसको खड़ा कर देंगे। अब होगा क्या, धीरे धीरे पानी हमारी अब किस टेम्परेचर पर रख रहा हमने, रूम टेम्परेचर पर इसको मेंटेन करके रखेंगे। अब क्या किया हमने, रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखने के बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर जब पानी ब्रिक का कुछ को जो हमने ग्लास डिश में हमने पानी डाला है कुछ तो रूम टेम्परेचर एवोपरेट होगा यानी वाष्पीकृत हो जाएगा और कुछ पानी हमारा ब्रिक द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, फिर हम क्या कर दें दोबारा से हम उसमें पानी डाल देते हैं। तो देखिए, एंड ऑफ द ब्रिक आर कैप्ट इन ए स्टैंडर्ड पोर्सिलन और ग्लास डिश ऑफ दिस साइज फॉर स्क्वायर शेप्ड, यानी कि हमारा जो ब्रिक का एंड है हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड ग्लास डिश है स्क्वायर शेप के उसमें हमने डुबो दिया है, उसको एज पर हमने रख दिया और उसके बाद हमने क्या किया, फिल वाटर अप टू 25 mm डेप्थ एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर आप 25 mm तक पानी उसके अंदर भर दिया हमने। फिर आगे क्या हुआ, रूम को वेल वेंटिलेटेड रखेंगे, यानी रूम हमारा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और वाटर को एवेपोरेट या एब्जॉर्ब होने देंगे, यानी हम क्या करेंगे किसी भी टाइप की कोई भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न नहीं होने देंगे जिससे वाटर हमारा एवेपोरेट हो या एवेपोरेट होने से रोके या एब्जॉर्ब होने से रोके, ऐसी कोई भी सिचुएशन वहाँ पर हम नहीं रखेंगे। तो मेंटेन रखेंगे हम मेनली है कि इसके अंदर रूम टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे और वाटर को एवेपोरेट एंड एब्जॉर्ब होने देंगे। जब पानी हमारा एवेपोरेट हो जाएगा या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, वाटर को अगेन 25 mm डेप्थ तक फिल कर देंगे, यानी अब आप क्या करेंगे उस ट्रे में दोबारा से पानी हम 25 mm तक भर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, जब ये पानी हमारा आफ्टर दिस यानी इसके बाद क्या करते हैं, जितना पानी सोखना होगा यानी जितना पानी हमारा एब्जॉर्ब करना होगा ब्रिक को कर लेगी, जितना एवेपोरेट होना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सपोज्ड एरिया है एक्सपोज्ड एरिया का एग्जामिन करेंगे यानी कि हम उसका परीक्षण करेंगे, यानी जो ब्रिक का हमारा पूरा सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया पर आप क्या करेंगे उसको एग्जामाइन कर उसको देखेंगे उसका परीक्षण करेंगे वो एरिया हमारा कितना और उस एरिया में कितने जगह पर हमें वाइट पेजेस यानी वाइट स्पॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वाइट हमारा जो चूना फॉर्म में हमें जो देखने को मिलेगा वो हमें कहीं देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर है तो वो कितने एरिया में है। तो अब देखिए आपका टोटल एक्सपोज एरिया ऑफ ब्रिक यानी ब्रिक का हमारा टोटल एक्सपोज एरिया कितना है, यानी कितना एरिया हमारा वाटर के ऊपर हमारा टोटल जो ब्रिक का चारों तरफ का जो एरिया होगा हमारा एक्सपोज एरिया हो गया, और उस एक्सपोज एरिया में हम ये देखें कितने परसेंटेज एरिया में व्हाइट पेचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, सफेद सफेद हमें स्पॉट देखने को मिल रहे हैं, तो वो स्पॉट्स के एवरेज मतलब उसका हम कंपेरिजन करेंगे उसके टोटल एक्सपोज एरिया से। अब देखें सबसे पहला आता है हमारा निल यानी एफ्लोरेसेंस निल, यानी हम ये कहेंगे कि लोला बिल्कुल नहीं है, तो उस कब कहेंगे डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज इम्परसेप्टेबल, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमने लोना परीक्षण हमने कर रहे हैं तो उस लोना परीक्षण में हम निल कब कहेंगे यानी बिल्कुल नहीं है लोना कब कहेंगे, जब हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम ना के बराबर हमें व्हाइट पेजेस कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज उसके अंदर है ही नहीं, यानी ये कहेंगे आपके जो व्हाइट पेजेस हमें पूरी ब्रिक सरफेस पर हमें देखने को ही नहीं मिले, तो उस केस में हम कहेंगे निल एफ्लोरेसेंस और वो ब्रिक हमारी सबसे अच्छी ब्रिक मानी जाएगी। अब आगे आता है हमारा स्लाइटली एफ्लोरेसेंस कब कहेंगे, व्हेन डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस नॉट मोर देन 10% ऑफ एक्सपोज्ड एरिया, यानी कि हमने देखा कि उसकी ब्रिक सरफेस हमने एग्जामाइन की तो टोटल जो हमारा जो एग्जामाइन सरफेस है उसके एरिया का 10% से कम में हमने वाइट पेजेस देखे, तो 10% से कम में अगर है तो उस केस में हम कहेंगे स्लाइटली एफ्लोरेसेंस यानी बहुत ही हमारा स्लाइटली हमारा एफ्लोरेसेंस उसके अंदर अवेलेबल है। कब, जब हमारा 10% एरिया से कम होगा एक्सपोज एरिया के 10% एरिया से भी कम पर वाइट पेजेस हमें देखने को मिले हैं, लेकिन उसको हम मॉडरेट कब कहेंगे, जब 10% से ज़्यादा हमें वाइट पेजेस देखने को मिले, 10% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम, यानी कि आप ये कहेंगे कि मॉडरेट एफ्लोरेसेंस की वो उस कैटेगरी का एफ्लोरेसेंस है जिसमें हम जो एक्सपोज एरिया है ब्रिक का टोटल उस एक्सपोज एरिया के 10-50% तक हमें वाइट पेजेस एरिया देखने को मिले हैं, तो तब उसको कहेंगे आपके मॉडरेट एफ्लोरेसेंस उसके अंदर होगा।
तो जनरली हमारे इंजीनियरिंग पर्पज में जो हम ब्रिक यूज करते हैं, अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जनरली इंजीनियरिंग पर्पज में हम जो ब्रिक यूज करते हैं ये मॉडरेट तक ही यूज करते हैं, उससे ज्यादा अपन हम नहीं यूज करेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रिक जो हम यूज कर रहे हैं वो कोड के अकॉर्डिंग हम मॉडरेट तक यूज कर रहे हैं। कब तक? जब तक हमारी ब्रिक का, देखिए ब्रिक का क्लासिफिकेशन कुछ अलग कैटेगरी में भी होता है, तो 12.5 क्लास तक की ब्रिक पर हम मॉडरेट, यानी 12.5 क्लास का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्लास ब्रिक उसी के अंडर आती है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक तक हम जो मॉडरेट एप्लीकेशंस तक हम परमिसिबल मानते हैं, यानी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए अगर आप जो को यूज कर रहे हैं और आप फर्स्ट क्लास ब्रिक तक यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारा मॉडरेट एप्लीकेशंस भी आपका परमिसिबल होगा, बस यहीं तक, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अब आ गया था हमारा हैवी एप्लीकेशंस कब है, तो देखिए जब हमने देखा कि उसका जो एक्सपोज एरिया है उस पर जो व्हाइट पेजेस का एरिया है, तो एक्सपोज एरिया से व्हाइट पेजेस एरिया जो है वो कितना है, 50% से भी ज्यादा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि टोटल जो 50 जो व्हाइट पेजेस का एरिया है वो हमारे टोटल एक्सपोज एरिया का 50% से भी ज्यादा है, लेकिन उसमें जो व्हाइट पेजेस है यानी हमारा जो पाउडर की फॉर्म में व्हाइट भाई ब्रिक पर दिखाई दे रहा है पाउडर, वो झड़ नहीं रहा है, वो वहीं पर बाइंड है, चिपका हुआ है, तो उसके लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, तो उस केस में कहेंगे कि वो हमारी हैवी एप्लोरेसेंस में, यानी उसके अंदर जो हमारा लोना लगा हुआ है वो बहुत हैवी उसमें है। लेकिन तो ये हमारा है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखिए यहां पर आप पढ़े मोर देन 50% बट डिपॉजिट डू नॉट पाउडर फॉर्म, यानी पाउडर फॉर्म में नहीं है, वो झड़ नहीं रहा है पाउडर की तरह, वो आपको पाउडर फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, बस आपको व्हाइट सरफेस ही दिखाई दे रही है वहां पर, तो उस केस में उसे कहते हैं हैवी एप्लोरेसेंस। अगला आता है हमारा सीरियस। सीरियस का मतलब क्या है कि डिपॉजिट ऑफ एप्लोरेसेंस आर हैवी विद पाउडरिंग, यानी पाउडर की तरह आपको झड़ने को मिल रहा है, आप जब उसको देख रहे हैं इस तरीके से तो एकदम बिल्कुल पाउडर आपके हाथ में आ जा रहा है, तो उसके में हम कहेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा एल्कलीज है और ब्रिक हमारी सीरियस कंडीशन में है, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि जो हायर क्लास की ब्रिक होती हैं उनके लिए तो हम स्लाइटली तक परमिसिबल करते हैं। ध्यान रखें दो वर्ड्स आप नोट करें, जगह नहीं इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा, आप याद रखेंगे जो हायर क्लासेस की ब्रिक होती है, आपसे पूछा कि हायर क्लासेस की ब्रिक के लिए आप कितना एप्लोरेसेंस परमिसिबल करते हैं, तो हमारा होगा स्लाइटली एप्लोरेसेंस हम परमिसिबल करते हैं, लेकिन अगर पूछेगा 12.5 क्लास तक, यानी 12.5 क्लास तक का मतलब होगा हम जो मॉडरेट एप्लोरेसेंस है 12.5 क्लास तक की जितनी ब्रिक्स हैं तो उसके लिए हम परमिसिबल करते हैं मॉडरेट ब्रिक, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड 1077 के अकॉर्डिंग भी हमारा ब्रिक का क्लासिफिकेशन भी किया गया, जिसमें हमारी 10 क्लास 12.5 क्लास इस तरह से हमारी कई क्लासेस ब्रिक की होती हैं, तो फर्स्ट क्लास हमारी 12.5 क्लास के अंडर ही आती है, तो आप यही कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए हम कितना परमिसिबल करेंगे, मॉडरेट एप्लोरेसेंस परमिसिबल होगा, बट हायर क्लासेस के लिए हमारा स्लाइडली हम परमिसिबल रखते हैं।